हाथ दे तेरे को। नेक्स्ट गेस्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन, IIT दिल्ली और बर्कली की अनुमनाई साझे सपने की फाउंडर सुरभि यादव, और इनका पैशन है मेरी जैसी गांव की लड़कियों के सपनों को मंजिल तक पहुंचाना। तो जब सपने सभी इक्वली देख रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटीज में रूरल अर्बन क्या। मैंने डबल मास्टर्स करी, घर में भाभियों को दीदियों को पता भी नहीं है मास्टर्स क्या है। And I think the hardest thing was that they had made peace with it. We are missing out on their ideas, worldviews, creativity, and their dreams. तो दी साझे सपने के पीछे क्या आइडिया था आपका? एक ऐसी जगह जहाँ गांव की लड़कियाँ बेफिक्र होके बिना प्रेशर के लाइफ में बहुत यूजफुल चीजें सीखें, दम से अपने पैरों पर खड़ी हों और लाइवलीहुड नहीं करियर बनाएं। एक लड़की सपने वाली, बहुत लड़कियां सपना दल, जहां भरते हम उड़ान, सपना सेंटर उसका नाम। सपना सेंटर इज अ यूनिक रूरल कॉलेज मॉडल वेयर यंग रूरल वुमेन 18 टू 23 इयर्स ओल्ड फ्रॉम मार्शलाइज्ड कास्ट ग्रुप लॉन्च देयर स्टेम एंड मैनेजमेंट करियर्स। हर साल बहुत सारी गांव की औरतें साथ आती हैं और अलग अलग नए जमाने के करियर के रास्ते खुलते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, कोडिंग हो गया, मैथ टीचिंग हो गया एंड सो मच मोर। क्यों सीखे सिलाई जब टीचर बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं। हम मैथ को भाषा की तरह सीख सकते हैं और टीचर भी बन सकते हैं। बताओ गूगल डॉक्स पे एक साथ दोनों काम कैसे कर सकते हैं? गूगल डॉक्स शेयर करते टाइम एडिट एक्सेस का ऑप्शन दे देते हैं। एक फ्रंट एंड कोडर को कौन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए? पास HTML, CSS, JavaScript, React। ये सिर्फ फन एक्टिविटीज नहीं है, ये टेकिंग अ होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच। जितना उसके लिए टेक्निकल स्किल्स इंपॉर्टेंट है, उतना ही कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और उसका रेजिलियंस इंपॉर्टेंट है। हेलो मेघा दीदी। हाय, हाय एवरीवन। क्या कोडिंग सही चॉइस है? सो मेरे गांव में ना किसी भी लड़की को कोडिंग के बारे में सुना नहीं था। कोची में IKEM Fellows के साथ एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम कर रही हूँ। जो भी मतलब साझे में मेरी पर्सनली या फिर प्रोफेशनली ग्रोथ हुई है, वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे अभी काम आ रही है। साझे में एग्जाम नहीं होते हैं, तोड़ फोड़ होती है। इंग्लिश सीखनी होती तो हम इंग्लिश में प्ले करते हैं, गलती से तो हम डरते ही नहीं है। कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने कच्चे मकान पक्के बनवा लिए हैं अपनी सैलरी से, 3-4 साल शादियां पोस्टपोन करवा रही हैं, मतलब जिंदगी अपनी शर्तों पे जी रही हैं। कैसा लगता है दी आपको? अच्छा लगता है, बस अच्छा लगता है आपको। सफर बहुत लंबा है, कठिन भी है, बट अ लर्निंग हार्ट इज अ बीटिंग हार्ट। And beating hearts cannot be dull. I hope there will be a day when nation's development decisions will not only be taken inside big conference rooms, but also under a banyan tree in a remote village. Abhi to inke sapno ke pankh lage hain, udaan to baki hai. And I'm sure when sapne walis will lead, communities will thrive.